सर धन्यवाद। जैसे आज हमारे साथ प्रोफेसर सौरभ दीक्षित जी हैं, हमारे पुराने मित्र हैं। लगभग 20 साल से हम केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट ग्वालियर इनके साथ काम करते हैं। बहुत सारे काम हमने मिनिस्ट्री के लिए किए हैं। एक औरंगाबाद आपको अगर पता है, हमारे एक मिनिस्टर साहब ने कुछ साल पहले बताया कि औरंगाबाद भी महाराष्ट्र की टूरिज्म की राजधानी है, और बाद में महाराष्ट्र शासन ने वो मान्य किया कि ये महाराष्ट्र की पर्यटन राजधानी है। वो टाइम मैंने उनको बताया, मिनिस्टर का नाम था गावित साहब थे, तो गावित साहब से मैंने बात की, मैं उनको बताया कि सर ये गलत है, औरंगाबाद ये महाराष्ट्र की पर्यटन राजधानी नहीं है, औरंगाबाद ये संपूर्ण साउथ एशिया की पर्यटन राजधानी है। इतना बड़ा महत्व इस औरंगाबाद शहर को और परिसर को है। क्यों? क्योंकि औरंगाबाद हम जहां आज बैठे हैं, मैं कुछ बातें आपको आज बताना चाहता हूं, और खास तौर पर हमारी जुबान में जो औरंगाबाद की जुबान है उसको दखनी बोलते हैं, तो कुछ दखनी में बात हम लोग की होंगी। तो औरंगाबाद के हम आज जो बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी कैंपस में बैठे हुए हैं, हमारे उत्तर की ओर इस हॉल के बाजू में औरंगाबाद की गुफाएं हैं, बौद्ध गुफाएं, टेक्निकली औरंगाबाद के टेम्पल्स। तो इस केव्स का निर्माण हुआ था 2000 साल पहले, और इस केव्स का एक इंस्क्रिप्शन कान्हेरी की केव्स में होता है। मुंबई की जो कान्हेरी केव्स है वहां पे औरंगाबाद के केव्स का एक रॉक कट इंस्क्रिप्शन शिलालेख, और उसमें ऐसा लिखा है कि ये जो केव्स हैं इसके कार्विंग के लिए एक व्यक्ति ने दान दिया है कोढ़ी और कोठी बनाने के लिए, और ये राजताड़ का नाम का एक गांव है वहां पे ये केव का लोकेशन है। तो वो लोकेशन ये है। तो मैं जब संशोधन करता हूँ, आमतौर पे हमारे पास जो औरंगाबाद के बच्चे हैं सबको मालूम है, स्टूडेंट्स है, रिसर्चर्स है, फैकल्टी है, तो हम ऐसा बोलते हैं कि औरंगाबाद को अभी 400 साल कंप्लीट हो गए। यहाँ पे जो हमारे इथोपियन जो आए थे मलिक अंबर, उन्होंने शहर का निर्माण किया, ऐसा सब लोग मानते हैं। बट मैं एक संशोधन होने के नाते मैं कभी ये मान्य नहीं करता कि मलिक अंबर आए और उन्होंने एक नया शहर बनाया, या औरंगजेब आए उन्होंने उनका नया शहर बनाया। ये शहर का अस्तित्व पहले से है, 2000 साल पहले से है। सिर्फ इतनी बात है कि 2000 साल के बाद में कुछ साल बाद, कुछ 500-600 साल, 800 साल बाद ये जब ये लोग आए, 1200 साल बाद ये लोग आए, 1600 साल बाद ये लोग आए, तो उन्होंने वो शहर जो तत्कालीन राजताड़ का शहर था उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। बोले तो सिंपल लैंग्वेज में जो नगर पालिका थी उसको महापालिका कर फैसिलिटीज बढ़ाई, इसके ऊपर और कुछ काम नहीं हो। तो ऐसा ही औरंगाबाद शहर है, और मैं ये राजधानी इसके लिए बोलता हूँ, हमें बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो शहर है यहाँ पे पूरे इंडिया का कैपिटल एंशिएंट टाइम्स है। आमतौर पे हम हमेशा बोलते कि महाभारत का कालीन जो इंद्रप्रस्थ था, आज की जो दिल्ली है, हमेशा के लिए हिंदुस्तान की या भारत देश की राजधानी रह चुकी। उससे भी इम्पोर्टेंट बात ये कोई बोलता नहीं कि औरंगाबाद शहर और जिला ये हमेशा से ही हिंदुस्तान की राजधानी रह चुकी है। उसके बारे में दो तीन रेफरेंसेस दूंगा। देवगिरी का जो किला है वो यादव जो डायनेस्टी यादव उनका ये राजधानी यादव रूल फ्रॉम देवगिरी। उसके बाद में जो वाकाटकाज है उनकी एक सब कैपिटल थी शूली भंजन देवगिरी के ऊपर। जो खुलताबाद जो है इट इज दी सूफी कैपिटल ऑफ दी वर्ल्ड। अभी अभी अजमेर शरीफ का अपन जिक्र हुआ था क्विज में वीडियो में, उससे भी इम्पोर्टेंट दरगाह जो है तो अपने खुलताबाद में, सो दैट दरपुर इट इज दी सूफी कैपिटल। औरंगाबाद में निजामुद्दीन दरगाह है,
वो भी बहुत इम्पोर्टेंट, फर्स्ट फाइव सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद में औरंगाबाद इटसेल्फ इज द कैपिटल ऑफ द निजाम स्टेट, निजाम डायनेस्टी, जो उनकी 48 तक था, 1948 तक। ऐसे अनेक अनेक टाइम ऐसे लोग यहाँ पे आए और यहाँ रहे। और अभी अब जैसे जिक्र हुआ, मैं मेन टॉपिक पे आता हूँ एक 5-10 मिनट्स में, कि औरंगाबाद का इम्पोर्टेंस इतना है, औरंगाबाद के टूरिज्म की वजह से अपने पास एयरपोर्ट आया, रेलवे आए, सब जगह। अभी हम देखते कि कल परसों नासिक से, नासिक का एयरपोर्ट चालू हुआ, औरंगाबाद, पुणे और बॉम्बे और नागपुर, ये चार ही एयरपोर्ट्स थे। आज हम छोटे छोटे शहरों में भी एयरपोर्ट्स हो गए, पर औरंगाबाद में एयरपोर्ट सिंस इंडिपेंडेंस है। क्यों है? क्योंकि यहाँ टूरिज्म, टूरिज्म सबसे पहले कहाँ थे इंडिया में आए तो दे कम एक्सक्लूसिवली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। टूरिस्ट जब इंडिया आते हैं, इंडिया इज अ कल्चरल टूरिज्म डेस्टिनेशन, सांस्कृतिक पर्यटन, तो इसमें अपन लोगों को क्या बताते हैं? सबसे पहले जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं वो रिलीजियस पर्पस के लिए आते हैं। इंडिया में हिंदुइज्म, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म थ्री मेजर रिलीजन्स है, ऑफकोर्स सिखिज्म भी है, बट ये एंशियंट रिलीजन्स है। तो ये रिलीजन्स के जो साइट्स हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग आते हैं। और हमारे इलाके में, औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में, वेस्टर्न इंडिया में बुद्धिज्म का बहुत इन्फ्लुएंस है, नॉर्थ में भी और ये रीजन में भी। यहाँ सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट आते हैं वो बुद्धिस्ट टूरिस्ट आते हैं। और ये आने के बाद क्या होता है, एक सिंपल इकोनॉमिकल फैक्टर मैं बताना चाहता हूँ, कि वेन द टूरिस्ट कम टू अ पर्टिकुलर लोकेशन, उससे क्या होता है, रीजनल डेवलपमेंट होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड रीजनल डेवलपमेंट, इसी के साथ में अर्निंग्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। जैसे कि आज हम देखते हैं कि अपने पास पेट्रोल का भाव क्या है, 80 रुपीज, गैस का भाव 700-800 रुपये। ये क्यों है इतना भाव, कल दीक्षित सर ने बताया था, ये सब हम इम्पोर्ट करते हैं, और इम्पोर्ट करने के लिए वी हैव टू अर्न दी फॉरेन एक्सचेंज, वी हैव टू सॉरी पे दी फॉरेन एक्सचेंज, एंड वेयर वी गेट, फ्रॉम वेयर वी गेट दी फॉरेन एक्सचेंज। हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज कहाँ से मिलता है, कुछ एक्सपोर्ट करना होता है, हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं, व्हाट इज द नंबर वन एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, नंबर वन इज डायमंड, सॉरी नंबर वन इज द गारमेंट इंडस्ट्री, नंबर टू इज द डायमंड एंड थर्ड इज टूरिज्म। तो डायमंड जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, डायमंड कहाँ मिलता है, शॉप में मिलता है, डायमंड मिलता है जमीन में, खान में, वी हैव टू ड्रिल इनटू द अर्थ, गो 2-3 किलोमीटर्स इनसाइड, देन ड्रिल इन ऑल डायरेक्शंस, समवेयर यू विल फाइंड द डायमंड, कहीं तो डायमंड मिलेगा। वो मिलने के बाद हम उसको सूरत लेके जाते हैं, सूरत में उसको कटिंग पॉलिशिंग होता है, फिर उसका जो कैरेट है ग्रेडिंग वो होता है, वो होने के बाद में हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं, देन वी अर्न फॉरेन एक्सचेंज। सेकेंड इज गारमेंट, गारमेंट में क्या होता है, गारमेंट मतलब तैयार वस्त्र, रेडीमेड गारमेंट्स, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो खेतों से होती है। सो खेत में हम पहले बीज बोते, उसके बाद कपास आता, कपास का फिर जिनिंग में बेचते, जिनिंग से टेक्सटाइल में कपड़ा तैयार होता, डिजाइन तैयार होता, उसके बाद में वो मैन्युफैक्चरर के पास जाता, उसको प्रोसेस करता, कटिंग एंड ऑल, ड्रेस तैयार करता, उसको शर्ट पैंट जो भी है, वहां से वो आगे बेचते हैं, फॉरन बेचते हैं, वहां पे क्वालिटी कंट्रोल होता और वो होने के बाद में एक्सपोर्ट होता, फिर हम फॉरन एक्सचेंज में करते। ये बहुत लंबा प्रोसेस है, सालों लग जाते हैं इसमें, हजारों लोग काम करते हैं वो फॉरन एक्सचेंज कमाने के लिए। बट थर्ड जो है सबसे इम्पोर्टेंट है वो टूरिज्म है। तो टूरिज्म में हम क्या करते हैं, टूरिज्म में तो फॉरेन एक्सचेंज मिल रहा है, तो कहाँ से मिल रहा है अपने फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन टूरिस्ट यहाँ पे आ रहा है, वो आने के बाद यहाँ पे पैसा खर्च कर रहा है, वेरी सिंपल। मोस्ट इजीएस्ट वे टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज इज थ्रू टूरिज्म। और ये जब टूरिस्ट यहाँ आता है वो बहुत सारा पैसा खर्च करता है, वो शॉपिंग में करता है, एकोमोडेशन, ट्रैवल, बहुत सारी बातों में पैसा खर्च करता है, और उसके ऊपर अपनी लोकल इकोनॉमी सस्टेन करते हैं। जैसे औरंगाबाद की इकोनॉमी, आगरा की इकोनॉमी, अगर हम साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में देखें तो जैसे सिंगापुर है, थाईलैंड है, इनकी पूरी इकोनॉमी, मलेशिया, उनकी पूरी इकोनॉमी टूरिज्म पे है। तो टूरिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर
और द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। अब मेरी बात ध्यान से समझ के लो, 1947 से लेके आज तक, या मैं बोलूंगा 2014 तक, इतने साल में अपने जो प्रायोरिटीज थे वो कभी चेंज नहीं हुए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने जो लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज थी वो कभी चेंज नहीं हुई। हमारे पास इससे पहले वाली जो गवर्नमेंट थी या इंडिपेंडेंस से लेके लास्ट गवर्नमेंट जो जितने भी लोग थे उसमें बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट थे। तो मैंने बहुत बार ऐसी बात किया हूँ पब्लिकली, रिसर्च में भी मैं लिखा हूँ, कितने बड़े इकोनॉमिस्ट रहने के बाद में भी एक भी इंसान को, इवन प्लानिंग कमीशन को कभी भी समझ में नहीं आया कि टूरिज्म का इम्पोर्टेंस क्या है, टूरिज्म का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। नोबडी अंडरस्टूड द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ टूरिज्म। इतना इजी वे से हम फॉरेन एक्सचेंज भी कमा सकते हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे सकते, और ये तो एक बात हो गई। बट सेकेंड पार्ट इम्पोर्टेंस तो बहुत है, जो भी टूरिस्ट आते हैं अपने पास, वी जस्ट गेट सम 80 लाख टूरिस्ट, वेरी लेस, वी हैव नॉट येट क्रॉस्ड 1 करोड़ इनबाउंड टूरिस्ट। आउटबाउंड हमारे पास ज्यादा है, हमारे पास पैसा है बल्कि हम बाहर ज्यादा ट्रैवल करते, इनबाउंड बहुत कम है। इनबाउंड बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, अपने को उनको कुछ ऑप्शंस देना पड़ता है। लाइक अभी बात हुई कि बहुत अच्छे अच्छे डेस्टिनेशन है, सिंगापुर है या मलेशिया है, थाईलैंड है, यूरोप है, तो लोग उधर जाना क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे सब इंफ्रास्ट्रक्चर है, सुपर स्ट्रक्चर, वहाँ पे क्लीनलीनेस बहुत है। तो जब फॉरेन टूरिस्ट इंडिया आना चाहते हैं, एनी फॉरेनर फ्रॉम यूएस और यूरोप, इफ ही वॉन्ट्स टू कम टू इंडिया, वाई वॉन्ट्स टू कम टू इंडिया, टू नो अबाउट द कल्चर, बिकॉज कल्चरल टूरिज्म। तो मैं ऐसा अगर आपको सवाल किया, अगर सवाल पूछो कि सबसे इम्पोर्टेंट और ब्यूटीफुल हिंदू टेम्पल्स कहाँ हैं, दुनिया में सबसे ब्यूटीफुल हिंदू टेम्पल्स कहाँ हैं, व्हाट इज द आंसर, कंबोडिया में और नेपाल में। इसका मतलब ये है कि हमारा जो रीजन है, दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये पार्ट का जो हेरिटेज है वो ओरिएंटल हेरिटेज है। हम कुछ करते कि हिंदुइज्म सिर्फ हमारे पास है, ऐसी बात नहीं, हिंदुइज्म इंडोनेशिया में भी है, थाईलैंड में भी और अदर कंट्रीज में भी। तो टूरिस्ट को ऑप्शन होता है, व्हेन ही वांट्स टू कम इट डजंट मैटर इंडिया का टेम्पल देख रहा है, हिंदू टेम्पल या इंडोनेशिया का देख रहा है, उसको जस्ट टेम्पल देखना। सो ही हैज 2-3 ऑप्शंस। सो व्हेन ही मेक्स अ डिसीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, कि जब डिसाइड करता है कि मेरे को कौन से कंट्री जाना है, क्योंकि ये हिंदुइज्म में बुद्धिज्म में सब इंटरेस्ट है, तो वो ये देखता है कि वो कौन से कंट्री है जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे अच्छा है, जहाँ के सब लोग बहुत अच्छे हैं, जहाँ के रोड्स बहुत अच्छे हैं, जहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, ये वो डिसाइड करता। अभी आपने देखा होगा कि जब ये विंटर शुरू हुआ, दिल्ली वॉज क्लोज्ड फॉर 2-3 डेज, वो स्कूल्स को छुट्टी दे दी स्मॉग की वजह से। इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट टूरिज्म पे, टूरिज्म टूरिस्ट अभी तक आ रहे हैं हमारे रीजन में, आ रहे हैं दिल्ली जा रहे हैं, नॉर्थ में जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ दी पोल्यूशन। ये सब जो कॉजेज है, रूट कॉजेज है, इसके वजह से टूरिज्म पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। उससे होता है कि ये सब लोग अभी शिफ्ट करते हैं, दे गो टू अनदर कंट्री, एडजॉइनिंग कंट्री, मे बी देर गो टू नेपाल, देर गो टू श्रीलंका, और देर गो फर्दर साउथ। तो ये इम्पैक्ट होता है। तो ये इम्पैक्ट की वजह से क्या हो गया, हमने पोल्यूशन करे, हमने अपने डेस्टिनेशन खराब रखे, इससे हम क्या लूज कर रहे हैं, वी आर लूजिंग द टूरिस्ट एंड वी आर लूजिंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डॉलर हमारे इकोनॉमी में। बहुत हम लोग इतने सहनशील हैं कि हम 300 से 500 700 रुपए भी गैस लेते, कल को 1200 वाते भी लेंगे, बट हम उसके बाहर नहीं आएंगे, रूट कॉजेज पे हमको जाना है। और जब से हमारे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र जी मोदी ने पदभार स्वीकारा है, मैं तो बहुत खुश हो गया कि पहले ही भाषण में, अपार्ट फ्रॉम एनी पॉलिटिकल एफिलिएशन, पॉलिटिकल पार्टी आइडियोलॉजी, मैं टूरिज्म की बात कर रहा हूँ, कि वो जो सबसे पहले जो देश में गए वो भूटान में गए, और जहां भी गए उन्होंने टूरिज्म की बात की, इंडिया के टूरिज्म की बात की, इंडिया के टूरिज्म प्रमोशन की बात की। इससे होने वाला क्या है कि अभी बहुत बड़े तादाद में यहाँ पे टूरिस्ट आने वाले हैं, और ये जब टूरिस्ट आएंगे तो ये अपना इकोनॉमिक रिवाइव करेंगे। अभी मैं
लास्ट में ये जो अभी स्वच्छ भारत स्वच्छ पर्यटन अभियान जो चालू है ये तो आप हाल ही में शुरू हुआ है, बट मैं ये बताना चाहूंगा इस मौके पे कि हमारा जो डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, ये 22-24 साल से डिपार्टमेंट का अस्तित्व है और ये डिपार्टमेंट हमेशा से ही हमेशा हम पर्यटन और स्वच्छता इसके बारे में कार्य करते आए हैं। तो कुछ स्लाइड्स बताना चाहूंगा मैं कि हम कब से क्या क्या करें। तो वी आर ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ क्लीन इंडिया, क्लीन मॉन्यूमेंट्स, क्लीन टूरिज्म, और इसकी शुरुआत हमने 1999 से की। एक बहुत पास्ट हम एक जस्ट झलक देखेंगे क्या क्या करते हैं। अब ये जो स्लाइड देख रहे हैं आप जो यहाँ के लोग हैं, घटोत्कच नाम की केव है, ये किसी ने देखा नहीं होगा। अजंता इतनी इम्पोर्टेंट केव है, औरंगाबाद में इतनी इम्पोर्टेंट, बट इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज डेड मॉन्यूमेंट बाय द स्टेट आर्कियोलॉजी। तो यहाँ पर अपने 1999 में वर्ल्ड हेरिटेज डे के दिन वहां हम गए और वहां पहला अपने स्वच्छता अभियान शुरू किया। जाओ फोटो। जो पहले 2-3 स्लाइड्स हैं तो घटोत्कच केव्स, वहां पे मोटरेबल रोड भी नहीं। हमारा पर्पज ये था कि ये केव्स जो है वी हैव टू हाईलाइट। तो वहां पे हमने स्वच्छता अभियान शुरू किया और उस दिन से आज तक ये निरंतर चालू है। अब ये देखते हैं कि हम ये ASI के साथ एक वर्कशॉप ऑन हेरिटेज कंजर्वेशन। नेक्स्ट ये सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट और ये सब अभी टेक्निकल वर्कशॉप्स है कि मॉन्यूमेंट कंजर्वेशन स्वच्छता सिर्फ बाहर की नहीं मॉन्यूमेंट की भी होती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जापानीज हमारे ओरिएंटल कंसल्टेंट्स हैं, उनके साथ एक वर्कशॉप है। ये एक वर्कशॉप ऑन मैनेजमेंट ऑफ हेरिटेज टूरिज्म इन औरंगाबाद रीजन, ये ASI के साथ ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे, और उस दिन हमने खास तौर पे अजंता की एक सीडी बनाई थी। इट इज नॉट ओनली अबाउट दी केव्स, इट इज ऑल अबाउट दी कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन, किती मेंटेनेंस आणि कंजर्वेशन हे कसं करायचं। ये हमारे स्टूडेंट्स हैं 2012 की बैच के, एलोरा और दौलताबाद में क्लीनलीनेस ड्राइव है। इसके बाद में हम डिपार्टमेंट में भी हर साल जी प्रत्येक वर्षी सर्व विद्यार्थी पूर्ण डिपार्टमेंट की स्वच्छता मोहिम हाती घेतात आपल्या घरासारखं, जे आत बिल्डिंगच्या आत आणि परिसर। दिस इज गोइंग ऑन एव्हरी इयर। स्वीपिंग एंड मॉपिंग ऑल्सो इज डन बाय द स्टूडेंट्स, मी स्वयं प्रेरणे में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ हियर वी सी दैट वन वर्कशॉप इज देयर एंड अ स्पेशल गेस्ट इज देयर। द गेस्ट इज मिस्टर चैतन्य भंडारे, हमारे पंतप्रधान जी उसको नाम से पहचानते हैं, और कोई भी इंडियन मैन ही गोज टू जापान और दी जापानीज प्राइम मिनिस्टर ऑफन ही गिव्स अ साइटेशन ऑफ मिस्टर चैतन्य भंडारे, ही इज दी क्लीनलीनेस एम्बेसडर। उन्होंने यहाँ पे एक वर्कशॉप कंडक्ट किया है, आप वो प्रेजेंटेशन में देखते हैं जापान में कैसा होता है। और जापान में हर इंसान, जापान के कोई भी ऑफिस में स्वीपर नहीं होता है, तिथे स्वच्छता सर्व लोग स्वतःच करतात। इवन जी टॉयलेट ची स्वच्छता स्वतः ते स्वतःच करतात। एवढं प्रेरणादायी त्यांचं कार्य आहे, म्हणजे त्यांचं एकटंच नाही पूर्ण जपानच।
आहे। जब माननीय पंतप्रधान जी ने ऐलान किया था स्वच्छ भारत अभियान 2nd October 2014, तो शायद इंडिया में पहले ही वर्कशॉप होगा उसी दिन हमने शुरू किए थे मेंटेनिंग क्लीनलीनेस एट दी टूरिज्म साइट्स। नेक्स्ट, अभी यहाँ कुछ हम ये स्लाइड्स देखते हैं जो बार बार रेफरेंस आते हैं, तो ये औरंगाबाद के कुछ फोटोज हैं। दिस इज द स्टेटस ऑफ द फैसिलिटीज पर्यटन स्थल में। पंचक्की के ब्रिज पे हम रोज जाते हैं, पर उसके नीचे कितनी गंदगी है। We conducted a national seminar on tourism and clean India campaign. So nearly 80 delegates were there. और आगे जो, this is the actual workshop where all people we formed the groups and each group they gave a finding discussions में से and we sent it to the ministry कि स्वच्छ भारत अभियान में थे, स्वच्छ पर्यटन अभियान में थे, क्या करा लगा जाए। सर्व जे आपले हे पार्टिसिपेंट्स आहेत त्यांनी ग्रुप्स बनवले, त्यांनी चर्चा केली आणि प्रत्येक साईटवर काय करायला पाहिजे, म्हणजे त्यांनी रेल्वे स्टेशनवर काय करायला पाहिजे, किल्ल्यावर काय करायला पाहिजे, वेगवेगळे आम्ही सेगमेंट्स बनवले। जाऊ दे, नो दिस, वी कंडक्टेड वन अवेअरनेस कॅम्पेन। ऍक्च्युली वी फॉर्म वन ग्रुप, शहरातील सर्व जे पर्यटनाशी संबंधित असे विद्यार्थी प्राध्यापक आहेत त्या लोकांना आम्ही एकत्रित केले आणि सर्वांनी आपल्या औरंगाबाद शहराची परिसराची सर्व मॉन्युमेंट्स, त्यावेळेस तिथे सर्व मॉन्युमेंट्स तोडण्यात येत होते हे आपल्याला रोखायला पाहिजे, म्हणून आम्ही एकत्रित आलो। नेक्स्ट, दिस इज अगेन वन इव्हेंट। हा विशेष आहे की माननीय कुलगुरू विजय पांढरे पांडे सर त्यांनी विशेष अभिनंदन केलं की 26 जानेवारीच्या दिवशी आम्ही हा कार्यक्रम ठेवला झेंडा वंदन झाल्याबरोबर, आणि आपण तिथे बघतो कल्चरल अवेअरनेस प्रोग्राम आहे तिथे आणि फोटो एक्झिबिशन ऑफ सायंटिफिक कन्झर्वेशन ऑफ मॉन्युमेंट्स। म्हणजे आम्ही जे ESI सोबत कार्य करतो, वी वर्क विथ ESI इन सो मेनी आस्पेक्ट्स, त्याच्यावर एक प्रदर्शन आहे अवेअरनेस कॅम्पेन। नेक्स्ट, दिस इज द वर्क ऑफ द ESI बिफोर अँड आफ्टर कन्झर्वेशन अँड वी पुट दिस फोटो एक्झिबिशन हियर। So this was a glimpse. काय कार्य चालतं, म्हणजे शिक्षणाच्या व्यतिरिक्त डिग्री तर आम्ही देतो, PhD पण करतो, सर्व करतो, पण आपणही काही समाजाचं देणं लागतो, आपणही आपल्या पर्यटनासाठी काही करणं आपलंही कर्तव्य आहे, यासाठी आम्ही केलेलं एकच भाग दाखवला, असे अनेक कार्य आम्ही करत असतो। सो आय विल स्टॉप हिअर। और सौरभ जी ने हमको यहाँ पे आज इनवाइट किया, बोलने की संधि दी, इसका मैं आभारी हूँ। थैंक यू। तो कैसा लगा आपको? मैंने सही कहा था कि सर मंदिर में रहते हैं और आप वहां जाकर देखिएगा, बहुत अच्छा कलेक्शन है और ये वाकई में मंदिर के पुजारी हैं। इतने पुराने फोटोग्राफ्स को संभाल कर रखना और उसको मेंटेन करना, यहाँ मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। IITM में रहते हुए मैं डॉक्टर रमेश जी, अमित वासवानी जी कंट्री के हर टूरिज्म डिपार्टमेंट में यूनिवर्सिटी में गए, लेकिन यहाँ का जो डिपार्टमेंट है ये बेस्ट है। एक तरह से यहाँ आपको हर जगह का मॉडल दिखाई देगा, बहुत सारे स्केचेस दिखाई देंगे, तो औरंगाबाद टूरिज्म डिपार्टमेंट के लिए तालियां। और मेरे पीछे मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे
श्रमदान करके स्वच्छता के संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा, ना किसी और को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनने में मदद करेगा। जय हिंद। थैंक यू।